बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता है, गीत नहीं गाता हूँ। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पिछोर जिला कब बनेगा इसको लेके इस समय चर्चा गर्म है, और पिछोर के भीतर जिस प्रकार से राजनीति गर्माई है, पिछोर को जिला बनाने को लेकर ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हर बार राजनीतिक मुद्दा बनता है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जिला बनाने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे कभी शिवराज सिंह चौहान, वो भी दावा कर चले जाते हैं लेकिन जिला नहीं बन पाता है। मोहन सरकार एक बार फिर से पूरे प्रदेश की जो कहेंगे जिले हैं उनकी सीमा है, उसका एक गठन किया जा रहा है फिर से, और पूरा एक आकलन करके नए तरीके से सब चीज़ें होंगी कि जिला की दूरी कितनी होगी मुख्यालय से, और किस तरीके से लोग कम दूरी तय करके कहेंगे जिला मुख्यालय तक पहुँचे, इसके लिए पूरी परिसीमन की एक पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई। एक आयोग का भी गठन कर दिया गया और वो आयोग अपना काम कर रहा है, और अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें तमाम जो कहेंगे जो जिस प्रकार से तेजी देखने को मिली है, इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द स्पष्ट तौर पर तस्वीर क्लियर होगी और कई जिले नया रूप भी ले सकते हैं, जिसमें से 6 जिले नया रूप ले सकते हैं जिसमें पिछोर का नाम नहीं है, और इसी को लेके अब चर्चा गर्म हो रही है। पिछोर जिला कब बनेगा ये सवाल है, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलने को तैयार नहीं है, तो पिछोर जिला बनाने को लेकर जिस मंच पर शिवराज सिंह चौहान थे उसी मंच पर वर्तमान विधायक प्रीतम लोधी भी थे, और वहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रीतम को जिताओ हम जिला बनाएंगे, लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान नहीं है और चुनाव के समय जो वादे किए गए, जो दावे किए गए थे, उसकी हकीकत कुछ उलट ही दिखाई दे रही है। प्रीतम लोधी विधायक बन गए तो मंत्री नहीं बन पाए, अब विधायक बनने के बाद जो जिस प्रकार से जनता को उनसे अपेक्षा है उस पर प्रीतम लोधी किस प्रकार से खड़े उतरते ये भी बात होगी, और अगर पिछोर जिला बन गया तो प्रीतम लोधी की सबसे बड़ी ये जीत भी होगी। तमाम नाम सामने आए जिसमें बीना और खुरई का नाम भी शामिल है। बीना और खुरई लगी हुई कहीं ना कहीं तहसीलें हैं, और उसके बाद दोनों का ही उस लिस्ट में नाम शामिल है कि बीना को भी जिला बनाया जा सकता है, खुरई को भी जिला बनाया जा सकता है। इसके अलावा 5-6 नाम और हैं लेकिन उसमें पिछोर का नाम नहीं है, और पिछोर का नाम ना होना पिछोर वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक झटका है। केपी सिंह के खिलाफ अगर कहीं वोटिंग हुई है और केपी सिंह के ने जिसको खड़ा किया था, अगर वो हारे हैं उसके पीछे की कहानी कहीं ना कहीं ये जिला है। युवा वर्ग जिस प्रकार से प्रीतम लोधी के साथ चला गया, सर्व समाज का वोट प्रीतम लोधी पा गए, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का वोट भी प्रीतम सिंह लोधी पा गए, तो उसके पीछे की कहानी जिला है। पंजाब सिंह यादव का अगर साथ प्रीतम लोधी को मिला है तो उसके पीछे की कहानी भी जिला है। जिला मतलब बहुत कुछ, पिछोर जिला बन गया तो प्रीतम सिंह लोधी की राजनीति में एक नए पंख लगेंगे, नए तरीके की राजनीति वहां खड़ी होती नजर भी आएगी, कई समीकरण बदलेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन जिला बनेगा कब? मोहन यादव सरकार ने जिस प्रकार से परिसीमन कराया है, परिसीमन कराने को लेकर आयोग का गठन किया गया है, आयोग अपना काम कर रहा है, और बहुत जल्द बहुत कुछ हम और आपके सामने होगा, और कई जिले जो बहुत बड़े कई प्रकार से दूरी पर है, चूंकि मध्य प्रदेश पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, और ऐसे में जिस प्रकार से 56 जिले इस समय मध्य प्रदेश में हैं उसमें से 6 जिले और बढ़ सकते हैं, तो लगभग 62 जिले होंगे, और जो दूरी है जो 250 किलोमीटर की दूरी, उसको कहीं ना कहीं अब उसको ये कहीं 150 किलोमीटर के आमने सामने कहीं ना रखने का प्रयास किया जाएगा। देखने में यह आया कि कई जिले मुख्यालय बहुत दूर है, और गाँव दराज के जो लोग हैं वो ना तो जो कहेंगे ब्लॉक मुख्यालय पहुँच पाते, ना तहसील मुख्यालय पहुँच पाते, ना जिले मुख्यालय पहुँच पाते, तो कहीं ना कहीं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मोहन सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय था, और इसके बाद ये सब चीज़ें निकलकर सामने आ रही कि जिस प्रकार से पुनर्गठन आयोग काम कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द बहुत चीज़ें होंगी, और इसकी शुरुआत ग्वालियर संवाद से की जा रही है। अब ग्वालियर संवाद में पिछोर भी आता तो क्या पिछोर में जिला, पिछोर को जिला बनाया जाएगा? और सिंधिया जिला बना पाएंगे? प्रीतम लोधी क्या आंदोलन छेड़ेंगे? पंजाब सिंह यादव आंदोलन छेड़ेंगे? या पिछोर की जनता सड़कों पर उतरेगी? या खनिया धाने के लोग आंदोलन छेड़ेंगे? क्योंकि इस समय जो खबरों का हूमर है या जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, जो न्यूज सामने आ रही हैं, उसमें पिछोर जिला बनाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब चूंकि सिंधिया की सीट है, सिंधिया के सामने, सिंधिया उस समय मंच पे थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वादा था चुनावी, प्रीतम लोधी की साख लगी थी, प्रीतम लोधी को जनता ने आशीर्वाद दिया, और ऐसे में अगर जिला को लेकर नाम नहीं चल रहा है तो अब आंदोलन भी कहीं ना कहीं छिड़ता हुआ नजर आएगा।
जिले के इस मुद्दे को लेकर हम पिछोर पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में जाएंगे, तमाम जिम्मेदार जो नेता उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार की तैयारी होगी, क्या रणनीति होगी और पंजाब सिंह यादव क्या आंदोलन करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि पंजाब सिंह यादव की राजनीति जो पिछोर के भीतर है वो जिला बनाने को लेकर पहले थी, क्योंकि जिले की लेकर उनकी समिति लगातार आवाज़ उठा रही थी और उसी चक्कर में वो बीजेपी में कहीं ना कहीं शामिल भी हुए हैं और अंदर खाने और भी जातिगत समीकरण ऐसे चल रहे हैं जहां बहुत कुछ उछापटक हो सकती है। राजनीतिक चर्चा अपनी जगह होगी लेकिन जिला बनाने का मुद्दा हर एक व्यक्ति का है, पिछोर के अंदर, खनिया धाने के अंदर, और अगर उस क्षेत्र का विकास नेता कराना चाहते हैं तो पिछोर को जिला बनाना बहुत अनिवार्य है और लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है जिला मुख्यालय की, तो बहुत दूर एक एरिया है, कटता है, लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ही चुनावी मुद्दा बनाया जिला। केपी सिंह कहेंगे विधायक रहे, उनकी सरकार भी रही, लेकिन उस समय भी जिला पिछोर नहीं बन पाया है, तमाम राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखने को हमें उस समय मिली। इस समय जब बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान ने खुद घोषणा की, मनमोहन यादव ने जिले की घोषणा करने से पहले उन्हें पुनर्गठन की एक बात कर दी, क्योंकि बीना आए थे, बीना में तमाम चर्चाएं हो रही थी कि बीना को जिला घोषित करके जाएंगे, लेकिन वहां से कुछ नई चीज़ सामने आई और अब जाके पूरे मध्य प्रदेश के जिलों की सीमाओं का आकलन किया जा रहा है, तहसीलों का आकलन किया जा रहा है, मुख्यालय किस तरीके से रहेगा और कितनी दूरी मुख्यालय से एक गांव दराज की होगी, सब पर एक पूरी कमेटी काम कर रही है। बहुत जल्द मध्य प्रदेश का एक नया चेहरा, नया ढांचा बन के तैयार होगा, सबको आशा है। और कमेटी ने कहा था कि 2 महीने में काम काज होगा, क्योंकि टेक्निकल बहुत सारे काम काज हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको कहेंगे जो वास्तविक स्वरूप देना है उसमें काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन शुरुआत अब कहीं ना कहीं ग्वालियर संभाग से होती हुई नजर आएगी। इसके बाद हो सकता है सागर को भी जोड़ा दिया जाए, धीमे धीमे सभी संभागों पर काम करना आरंभ होगा, ग्वालियर संभाग से शुरुआत हो रही है। ऐसे में ग्वालियर संभाग से जब शुरुआत हो रही तो पिछोर जिला कब बनेगा और पिछोर क्या उस जिले की लिस्ट में शामिल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना, क्या आप पिछोर जिला बनवा पाएंगे प्रीतम सिंह लोधी, प्रीतम लोधी के कार्यकाल में ही जिला बनेगा या फिर नई तस्वीर बदलेगी, या कोई बड़ा राजनीतिक खेल पिछोर विधानसभा पे हो सकता है। दूसरी चीज, क्या सिंधिया अपने प्रयासों के सहारे पिछोर को जिला बनवा पाएंगे, मोहन सरकार क्या सिंधिया और स्थानीय विधायक की बात मानेगी, या जो लगातार मांग चल रही थी पिछोर को जिला बनाने के लिए, क्या जनता की बात मानेगी मोहन सरकार, ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है, क्या पिछोर को जिला बनना चाहिए या फिर खनिया जाना पिछोर में से किसको जिला बनना चाहिए, इस पर भी जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और पिछोर में किस प्रकार की चर्चा चल रही है इसको लेकर हम पिछोर पहुंचने वाले हैं। नमस्कार।